धोनी को खरीदने में दो टीमों ने किया सारी हदें पार। धोनी की आईपीएल ऑक्शन की शुरुआत $4 लाख से शुरू हुई और $1.5 मिलियन तक चली गई। कैसे मुंबई इंडियंस किसी भी कीमत पर धोनी को खरीदने के लिए पागल थे। मुकेश अंबानी ही नहीं बल्कि आईपीएल की हर वो फ्रेंचाइजी टीम जो कि 2008 के आईपीएल ऑक्शन में मौजूद थी, वो किसी भी कीमत पर एमएस धोनी को अपने टीम में शामिल करना चाहती थी। दोस्तों 2007 के T20 वर्ल्ड कप के बाद धोनी एक ऐसा चेहरा बन चुके थे जो कि पहली बार में ही भारत को T20 वर्ल्ड कप जिता दिया था, और इंडिया टीम के इस जीत के बाद पूरा भारत उन्हें माही भाई के नाम से जाने लगा। और फिर इसी जीत के बाद इंडिया में पहली बार आईपीएल की शुरुआत होने वाली थी। इस टूर्नामेंट में देश विदेश के सारे बड़े प्लेयर्स हिस्सा लेने वाले थे। उस समय एमएस धोनी इंडिया टीम के इतने बड़े चेहरे बन चुके थे कि उन्हें हर एक फ्रेंचाइजी टीम अपने टीम में शामिल करना चाहती थी। इन सब टीमों में से एक बड़ा नाम मुकेश अंबानी का था। इस समय आईपीएल नया नया स्टार्ट हुआ था और उस समय अंबानी जी ने धोनी को अपने टीम में शामिल करने के लिए सभी दांव पेच लगा दिए थे। मुंबई इंडियंस किसी भी कीमत पर धोनी को अपने टीम में शामिल करना चाहती थी। मुंबई टीम मैनेजमेंट की चाह थी कि कैसे भी कर धोनी मुंबई में शामिल हो जाए, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और इसी साजिश और सियासत के बीच चेन्नई टीम की एंट्री होती है और फिर चेन्नई टीम की एक चतुराई ने धोनी को मुंबई में जाने से रोक दिया। सोचिए अगर आज मुंबई में धोनी होते तो आज आईपीएल का समीकरण क्या ही होता। पर फिर भी मुंबई टीम मैनेजमेंट ने कोशिश नहीं छोड़ी। वैसे तो दोस्तों हर टीम अपने साथ एक आइकॉन खिलाड़ी ढूंढना चाहती थी। अगर एग्जांपल के लिए देखें तो दिल्ली विराट कोहली को अपने टीम में चाहती थी और पंजाब युवराज सिंह को अपने टीम में चाहती थी, और ऐसे ही मुंबई इंडियंस धोनी को अपने टीम में चाहती थी। नीलामी से पहले आइकॉन खिलाड़ी का नियम बना हुआ था। नियम यह था कि आइकॉन खिलाड़ियों को टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी से 10% ज्यादा पैसे मिलेंगे। धोनी किसी भी टीम के आइकॉन खिलाड़ी नहीं थे क्योंकि उनके राज्य झारखंड और बिहार की टीम ही नहीं थी। एक और सभी टीम जहां अपने स्टेट के आइकॉन खिलाड़ी को अपने टीम में चाहती थी, वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग की सोच ही कुछ अलग थी। चेन्नई सुपर किंग आइकॉन खिलाड़ी को टीम में नहीं चाहती थी क्योंकि चेन्नई का पहला और आखिरी प्यार माही ही था। चेन्नई टीम का सबसे पहला लक्ष्य एमएस धोनी को खरीदना ही था। एम श्रीनिवासन बताते हैं कि सभी टीमें आइकॉन खिलाड़ी चाहती थी और उन्हें टीम के बाकी सबसे महंगे खिलाड़ी से 10% ज्यादा पैसे मिलना था। इसलिए जब धोनी के ऊपर बोली लगी तो मैं किसी भी कीमत पर धोनी को खरीदने के लिए तैयार था। धोनी को खरीदने के लिए सभी टीमों के बीच में गजब की टक्कर थी, खास करके मुंबई और चेन्नई की टीम में। और जब धोनी पे लगी बोली $1.5 मिलियन तक चली गई तो आईपीएल के बाकी टीमों को यह लगने लगा अगर इतना पैसा देकर वो एमएस धोनी को अपने टीम में शामिल करते हैं तो उन्हें अपने राज्य के आइकॉन खिलाड़ी को $1.65 मिलियन देने पड़ेंगे। और यही सिलसिला मुंबई के साथ भी था। अगर मुंबई इंडियंस धोनी को अपने टीम में शामिल करती तो उन्हें सचिन तेंदुलकर को $1.65 मिलियन देने पड़ते। उस समय टीम के पर्स केवल $5 मिलियन के ही हुआ करते थे, जिससे मुंबई इंडियंस को बाकी प्लेयर्स को खरीदने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता। और उस समय चेन्नई टीम की कोई आइकॉन खिलाड़ी नहीं थी और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि चेन्नई की टीम ने $1.5 मिलियन देकर एमएस धोनी को अपने टीम में शामिल कर लिया। दोस्तों उस समय एमएस धोनी साल 2008 में क्रिकेट के नए नए सितारे बने थे। उस समय भारत में ही नहीं बल्कि हर वो देश में जहां क्रिकेट को खेला जाता है उन सभी देशों में महेंद्र सिंह धोनी के चर्चे देखने को मिल रहे थे। इसके पीछे का कारण यह था कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप को इंडिया ने बेहद ही आसानी से धोनी के बदौलत अपने नाम कर लिया था। T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद धोनी का एक अलग ही पहचान बन गया था। कई लड़कियों के क्रश धोनी बन चुके थे। मैच शुरू होते ही धोनी धोनी के नारे लगते थे। जब धोनी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते थे तो सारे लोगों को लगता था कि आज फिर हेलीकॉप्टर शॉट देखने को मिलेगा। एक तरह से T20 वर्ल्ड कप तो मानो धोनी का ही था। जब धोनी प्लेयर्स को गाइड करते थे तो ऐसा लगता था कि मानो धोनी जैसा कैप्टन कोई है ही नहीं। चेहरे पर ना कोई गुस्सा, शांत दिमाग, प्लानिंग ऐसा करते थे कि मानो सामने वाली टीम को कोई भनक तक नहीं लगती थी। सचिन तेंदुलकर से लेकर सहवाग तक हर कोई धोनी के इस अंदाज का फैन था। कुछ सालों में ही पूरी दुनिया में धोनी के चाहने वाले बढ़ गए थे। उस समय कह सकते हैं कि धोनी की फैन फॉलोइंग करोड़ों में हो गई थी। इसलिए आईपीएल में सारी टीमें धोनी को अपने टीम में शामिल करना चाहती थी, खास करके मुंबई और चेन्नई की टीम। दोस्तों आज चेन्नई टीम की आईपीएल में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है और इसमें कोई शक नहीं कि इसका सिर्फ एक ही कारण है, धोनी को लेने की आखिरी बाजी चेन्नई सुपर किंग की टीम ने ही मारी। आखिर तक जाते जाते चेन्नई सुपर किंग ने धोनी को $1.5 मिलियन देकर खरीद ही लिया। दोस्तों धोनी उस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बनकर उभरे थे। और तो और
धोनी को लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद भी रहा। धोनी ने अब तक चेन्नई सुपर किंग को कुल 5 बार चैंपियन बनाया है। भले ही धोनी की टीम मैच फिक्सिंग के मामले में 2 सालों के लिए बाहर रही थी, पर पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाला का रिकॉर्ड भी धोनी के नाम ही है। आज भले ही धोनी संन्यास ले चुके हैं, पर हमारे और आपके लिए धोनी ने बहुत सारे सीखने की बात छोड़ गए हैं। धोनी पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 4000 रन कुल टेस्ट मैचों में बनाया है। इससे पहले कोई भी विकेट कीपर ने इतने रन नहीं बनाए थे। महेंद्र सिंह धोनी आज 30 से अधिक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो क्रिकेट में ही नहीं बल्कि बाहर भी मार्केट में राज कर रहे हैं। आज के दिन उनकी नेटवर्थ करीब 1000 करोड़ से भी ज्यादा की है। यहाँ तक कि धोनी एक ऐसे शख्स बन गए हैं जिनका शहर रांची को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप सच्चे धोनी के फैन हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।